अरे सुनो यार, हमें कोई इंस्टाग्राम पे तो फॉलो करता नहीं है, इतने कम लोग हैं यार। तो हाँ, वो इंस्टाग्राम पे हवाबाजी तो कर नहीं सकते हैं, यहाँ थोड़ी हवाबाजी कर दो यार, हमारी एंट्री अच्छी बना दो। बना रहे हो? हाँ ठीक है। कर दे कर दे कर दे, खत्म कर दे, इतना नहीं झेल पाएंगे लोग मेरे को। अरे दोस्तों, ऐसी हवाबाजी अगर आपको देखनी है और थोड़ा सा हमको सपोर्ट करना है तो इंस्टाग्राम पे भी आइए। ये हमारा इंस्टाग्राम है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हम रजा और आप देख रहे हैं क्या, रजा ग्राफी। दोस्तों, तुर्की जो है काफी ज्यादा तेजी से तरक्की कर रहा है। इतनी तरक्की काश हम भी कर लेते। खैर दोस्तों, अब बात सीधी सीधी ऐसी है कि तुर्की ने ड्रोन्स बनाए थे बड़े ख़तरनाक, और इसके साथ साथ फाइटर जेट भी बनाए हैं। तुर्की 70% आज की तारीख में अपने लिए हथियार खुद ही बना रहा है, यानी आत्मनिर्भर तुर्की। हाँ दोस्तों, इसी के मुझे तो ये लगता है आत्मनिर्भर भारत की जगह आत्मनिर्भर तुर्की ने ये भारत का डायलॉग, मोदी जी का डायलॉग चुरा लिया है। और सिर्फ चुराया नहीं है, अमल भी करके दिखा दिया है। खैर दोस्तों, इतनी सी बात कहेंगे 100% कि अभी क्या है, फ्रांस के अखबार ने, यानी फ्रांस ने तुर्की की तारीफ करी है। कहा है तुर्की के यूएवी ड्रोन और तुर्की के फाइटर जेट ने तहलका मचा दिया है। पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत ही खतरनाक लेवल के ड्रोन उभर कर सामने आ रहे हैं। तुर्की के ड्रोनों ने अजरबैजान आर्मेनिया की जंग में अपना असली रंग दिखाया था और पूरी खतरनाक ताकत दिखाई थी। तुर्की के ड्रोन अनमैन ड्रोन, जी हाँ, जिसके अंदर कोई आदमी नहीं होता है, रिमोट से चलने वाला ड्रोन, कंप्यूटराइज्ड ड्रोन, ठीक है, वो बहुत ज्यादा मांग में आ चुका है। इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि फ्रेंच अखबार ने आगे ये भी कहा कि लीबिया और सीरिया में भी तुर्की के यूएवी ड्रोन ने अपना कमाल दिखाया है, जिसके बाद से पूरी दुनिया में तुर्की के यूएवी ड्रोन की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इतना ही नहीं, आपको जेन्युइन बात बताऊं कि एक तो तुर्की के यूएवी ड्रोन बड़े खतरनाक साबित हुए हैं, सटीक साबित हुए हैं। कई जगह पर इसने अमरीका और इसराइल के डिफेंस सिस्टम को भी चौकन्ना किया है, यानी बेवकूफ बना दिया है, एकदम उसके पकड़ में नहीं आया है। इसके अलावा आपको ये भी बताना बेहद ज़रूरी है कि तुर्की के ये ड्रोन जो हैं ये बहुत महंगे नहीं हैं, बजट में हैं। अब इतने भी बजट में नहीं कि आप खरीद ले हम खरीद ले, नहीं, मतलब जो दुनिया में ड्रोन बनाए जा रहे हैं उसके हिसाब से तुर्की के ये ड्रोन काफ़ी सस्ते और सही दाम में मिल जाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार ये भी बात सामने आई है कि अर्दोगान ने अपने मिलिट्री से कह दिया है कि भैया जितने ज़्यादा हो सके यूएवी ड्रोन के प्रोडक्शन को बढ़ाओ, क्योंकि तुर्की ने अब पूरी दुनिया में हथियारों की लाइन में भी पैर जमाना शुरू कर दिया है और बड़ी तेज़ी से इससे कमाई भी शुरू कर दी है। दोस्तों, अब ये दिक्कत हो जाएगी अमेरिका को और इसराइल को। वहीं आपको बता दूं कि कई देश ऑलरेडी तुर्की से यूएवी ड्रोन ले रहे हैं, जिनमें से यूरोप के कई देश और पाकिस्तान भी शामिल है। दोस्तों, अभी तक इसराइल, चाइना और अमेरिका, ये तीन देश हैं जो यूएई फाइटर जेट हथियार बना रहे थे दुनिया में सबसे ज़्यादा। लेकिन अब पिछले 10 सालों में अचानक से तुर्की निकल कर सामने आया है और इन देशों के बीच में अपनी जगह उसने बना ली है। दोस्तों, फ्रेंच अखबार, फ्रेंच रिपोर्ट में एक बात और क्लियर कही गई है कि तुर्की का बैरेक्टा TB2 जो ड्रोन है, इसकी खासियत बताई गई है कि ये ड्रोन किसी भी दुश्मन के, मतलब टारगेट करके उसकी इंफॉर्मेशन को हासिल कर लेता है। समझ रहे हैं आप, इस चीज को समझना बच्चों। ड्रोन जो है दुश्मन के टारगेट को देखता है, उसको लॉक करता है, उसकी सारी जानकारी हासिल करता है और वहीं से काम करते करते वो सारी जानकारी वॉर प्लेन को, यानी फाइटर जेट को भेज देता है, ट्रांसफर कर देता है। फिर वो फाइटर जेट उसके रिपोर्ट के मुताबिक
अपना टारगेट सेट करते हैं, लोकेशन सेट करते हैं और उसके हिसाब से हमला करते हैं, जो कि बड़ा खतरनाक साबित होता है। ये पूरी डिटेल फ्रेंच के अखबार में मौजूद है, ये उनका कहना है। फ्रेंच तारीफ कर रहा है, फ्रांस तारीफ कर रहा है, वो भी किसकी? तुर्की की। और ये ड्रोन 4 गाइडेड मिसाइल मार देता है, ऐसी वैसी मिसाइल नहीं, गाइडेड मिसाइल। इतना तो आपको पता चल गया होगा, हर बार आपको नहीं समझाऊंगा गाइडेड मिसाइल क्या होती है, पिछली रिपोर्ट में देख लीजिएगा। इतना ही नहीं, बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने भी कहा है कि तुर्की से अब हम हथियार खरीदेंगे, क्योंकि तुर्की के हथियार काफी सटीक, सही और अच्छे साबित हो रहे हैं, और उन्होंने कहा है महंगे भी नहीं है। बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल मोमिन ने कहा है कि तुर्किश ये जो हथियार हैं ये काफी सही साबित हो रहे हैं, सटीक साबित हो रहे हैं। हम अपने देश के सेफ्टी के लिए हथियारों की तादाद को डबल करने जा रहे हैं और इसके लिए हम तुर्की के हथियारों को, वेपन्स को चेक कर रहे हैं। अभी तक बांग्लादेश तुर्की से $1 बिलियन का डील कर चुका है, और अब तक कर चुका है ये लेन देन, लेकिन अब 1 बिलियन से सीधा 2 बिलियन तक इस कारोबार को पहुंचाने के लिए कह दिया है बांग्लादेश ने, जिससे काफी बड़ा फायदा तुर्की को होने वाला है। बांग्लादेश ने कहा है कि हम तीनों मिलिट्री के लिए सामान खरीदेंगे, हथियार खरीदेंगे, यानी लैंड, एयरफोर्स और नेवी। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट से ये बात साबित होती है, जो कि मैंने नहीं बनाई अपने घर में बैठ के मन की बात की तरह, ये फ्रेंच रिपोर्ट है, कई सारी जगह आ चुकी है। इससे साबित होता है कि तुर्की बड़ी तेजी से हथियारों की इंडस्ट्री में भी तरक्की कर चुका है और दुनिया में अपने हथियार, फाइटर जेट, यूएवी, ड्रोन का लोहा मनवा चुका है। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजा ग्राफी। इस रिपोर्ट के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारी के साथ। जय हिंद।